11 साल पहले उधम सिंह नगर के रुद्रपुर में हुए दंगे के दौरान हुई हत्या के 5 आरोपियों को अपर जिला जज तृतीय रजनीश शुक्ला की अदालत ने साक्ष्यों के अभाव में दोष मुक्त कर दिया, जबकि 32 लोगों की सुनवाई जारी है। आपको बता दें कि इसी दंगे के अन्य केस में पूर्व विधायक राजकुमार ठुकराल की सहित 2 लोग पहले ही बरी हो चुके हैं। दरअसल 2 अक्टूबर 2011 को रुद्रपुर में सांप्रदायिक दंगा हुआ था, जिसमें 4 लोगों की मौत हुई थी। तत्कालीन कोतवाल ने दंगे और उसमें हुई 4 लोगों की मौत के मामले में 2 केस दर्ज कराए थे। इनमें से 1 केस के 5 अभियुक्तों को ADJ तृतीय रजनीश शुक्ला की कोर्ट ने दोष मुक्त कर दिया है। बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने बताया कि पुलिस ने कोर्ट में 9 गवाह पेश किए थे, लेकिन साक्ष्यों के अभाव में कोर्ट ने संदेह का लाभ देते हुए 5 आरोपियों को दोष मुक्त कर दिया है, जिसमें सलीम अहमद, मनु शर्मा, जानी भाटिया, विजय यादव, नवरत्न गंगवार को दोष मुक्त कर दिया गया है। रुद्रपुर से मुकेश मंडल की रिपोर्ट। ये 2 अक्टूबर 2011 को एक मामला तत्कालीन कोतवाल रघुवीर सिंह असवाल द्वारा कायम कराया गया था, जिसमें 2 अक्टूबर के दिन इंदिरा चौक पर एक दंगा हुआ था, जिसमें हिंदू मुस्लिम, हिंदू बनाम मुसलमान की एक लड़ाई को बताया गया था। उग्र प्रदर्शन हुए थे, इसमें 4 लोगों की मौत हुई थी। इसमें शेर सिंह यादव, जकी अब्दुल रहमान और एक अन्य व्यक्ति की, इन व्यक्ति की मौत का जिम्मेदार तत्कालीन SHO रघुवीर सिंह असवाल द्वारा 35 लोगों को नामजद किया था। 37 लोगों को